कहानी है गांव की, जहां एक साधु महाराज रहा करते थे। वो हमेशा गांव के चौराहे में स्थित एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की तपस्या करते। एक दिन सोहनपुर गांव में बहुत तेज बारिश होने लगी, जिस वजह से गांव में बाढ़ आ गई और सारे घर पानी में डूबने लगे। सारे गांव वासी अपनी जान बचाने गांव के पास वाले पर्वत पर जाने लगे। पूरा गांव बाढ़ में पानी से डूब रहा है और साधु महाराज जी उस पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है और बोलता है, आप यहां बैठे हो, चलिए मेरे साथ पर्वत पर चलिए, सारे गांव वासी अपनी जान बचाकर पर्वत की ओर जा रहे हैं। साधु महाराज बोले, अरे मूर्ख, मैं दिन रात भगवान की तपस्या में लीन रहता हूँ, भला मुझे क्या होगा, चलो जाओ यहाँ से। यह सुनकर वो गांव वासी वहाँ से चला गया। बारिश अब और भी तेज हो गई और धीरे धीरे बाढ़ का पानी साधु महाराज की कमर तक आ गया। कहीं कोई डूब तो नहीं गया? ये देखने के लिए कुछ गांव वासी एक जहाज पर वहाँ से गुजर रहे थे कि अचानक उन्हें वहाँ साधु महाराज दिखे। अरे महाराज, पानी आपकी कमर तक आ गया है और आप यहाँ बैठे हो, चलिए हमारे साथ चलिए और अपनी। साधु महाराज बोले, नादान, भगवान का चहिता हूँ मैं, भगवान खुद चल कर आएंगे मुझे बचाने। फिर ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आया, ये महाराज इसे पकड़ कर ऊपर आ जाए, ये आखिरी हेलीकॉप्टर है, इसके बाद आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। श्रीमान, आप चले जाए यहाँ से, भगवान खुद आएंगे मुझे बचाने, मुझे पूरा भरोसा है। ये सुनकर वो आखिरी हेलीकॉप्टर भी वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर में पानी और बढ़ गया, जिससे वो पेड़ डूब गया और साधु महाराज की मृत्यु हो जाती है। तब साधु भगवान के पास जाता है और बोलता है, भगवान जी, मैंने आपकी इतनी पूजा पाठ और तपस्या की, फिर भी आपने मेरी जान नहीं बचाई। तब भगवान जी बोलते हैं, याद करो वो गांववासी, वो नाव पर बैठा शख्स और वो हेलीकॉप्टर, मैं तीनों बार तुम्हारी जान बचाने आया लेकिन तुम मुझे नहीं पहचान पाए। इस कहानी की तरह ही हमारे जीवन में परमेश्वर हमें कई अवसर देता है, पर पता नहीं हम किस घड़ी का इंतजार करते हैं और उस अवसर को गवा देते हैं।